नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के मैं इस वीडियो में कंप्यूटर के कुल कितने प्रकार होते हैं वो बताने वाला हूं, साथ ही साथ आप इनसे जुड़ी 6 बातें जानने वाले हो। सबसे पहली बात, कंप्यूटर कुल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी बात कि सर्वर क्या होते हैं। तीसरी बात क्लाइंट क्या होते हैं। चौथी बात करूँ तो दुनिया में सुपर कंप्यूटर कब आया तथा इसे किसने बनाया था। पाँचवीं बात की जाए तो भारत के पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। और छठी और आखिरी बात करूँ तो हाइब्रिड या डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, यानी कि हाइब्रिड डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दिखने में कैसे होते हैं और किस प्रकार के कंप्यूटर को कहा जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक कर ऑल को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए एक कमेंट जरूर डाल। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को दो प्रकार से बांटा गया है, यानी कि सबसे पहला बात कि कंप्यूटर के साइज या कंप्यूटर का जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, यानी कि उसे वो कितना फास्ट किसी चीज़ को कंप्यूट करता है, उसके आधार पर बांटा गया। और दूसरा बांटा गया है अकॉर्डिंग टू सिग्नल और डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यानी कि जो उसे किस प्रकार के सिग्नल मिलते हैं और उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले साइज के आधार पर और कंप्यूटिंग कैपेसिटी के आधार पर देखा जाए तो आपका आता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन यदि सिग्नल के आधार पर बात की जाए तो तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फर्दर फिर डिजिटल कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक आपका होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए हर एक कंप्यूटर को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज और कंप्यूटिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करूँ तो ये सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, यानी इससे बड़ा और इससे कोई तीज कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी की बात की जाती है तो कोई कंप्यूटर अभी दुनिया में नहीं है। दूसरी बात की जाए तो कहते हैं इसके पास थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, यानी कि जो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में सिंगल पीस लगे होते हैं, इसमें हजारों की संख्या में ऐसे प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सुपर कंप्यूटर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में परफॉर्म करता है। ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन यानी ट्रिलियंस कितना बड़ा होता है, आप देखिए 1 मिलियन का मतलब 1 लाख होता है, उससे बड़ा बिलियन होता है और उससे भी बड़ा ट्रिलियन होता है। तो ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन या कमांड को ये एक सेकंड में परफॉर्म कर देता है। अगली बात की जाए तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है रॉगर क्रे के द्वारा 1976 यानी 1976 में रॉगर क्रे के द्वारा जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, यह रॉगर क्रे थे। सुपर कंप्यूटर के यूजेस की बात की जाए तो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम संबंधी सूचना, या साइंटिफिक सिमुलेशन या न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो CDC 600 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि 1964 में रिलीज हुआ, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम सिद्धि, AI, प्रत्यूष और मिहिर है जो अब तक के दुनिया के पावरफुल कंप्यूटरों में से एक ये भी कंप्यूटर माने जाते हैं। तो ये यानी कि इंडिया के पास वर्ल्ड की पावरफुल कंप्यूटर की बात की जाए तो तीन पावरफुल कंप्यूटर, परम सिद्धि, AI, प्रत्यूष और मिहिर। साइज के आधार पर अगला जो दूसरे नंबर पे कंप्यूटर है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इस पर्पस से डिजाइन किए जाते हैं ताकि यह 100 से 1000 यूजर्स तक को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये मल्टीपल प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ सपोर्ट करते हैं। ये कंप्यूटर कुछ इस तरह के दिखते हैं, साथ ही साथ नेटवर्क में ये एक सर्वर के रूप में काम करते हैं। सर्वर किसको बोलते हैं, तो सर्वर कंप्यूटर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जहाँ पे कि सब कुछ डाला होता है ऑनलाइन के लिए। जैसे ये यूट्यूब के जितने वीडियो है ये किसी न किसी कंप्यूटर पे डाले हुए हैं, तो जिस कंप्यूटर पे भी डाला हुआ है वो कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर है। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट के डाटा को प्रोसेस करता है। आप लोग जान ही सकते हैं कि एक यूट्यूब सर्वर की बात की जाए तो कितने सारे वीडियो वहाँ पे हैं।
आगे देखा जाए तो इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल जो है बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, जिन्हें कि मैनेज करना होता है बहुत ही हाई वॉल्यूम के डाटा और बहुत सारे कस्टमर्स के इंफॉर्मेशंस को, तो उनके द्वारा इसे यूज किया जाता है सर्वर के रूप में। इन कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करते हैं, यानी कि इसमें जो कई सारे कंप्यूटर एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक किसी कंप्यूटर के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है तो ये आपस में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं, साथ ही साथ काफी वजनदार यानी कि बल्कि भी होते हैं। अगली कंप्यूटर की बात की जाए तो वो होता है मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर। मिनी फ्रेम का जो साइज होता है ये मिडिल साइज का कंप्यूटर होता है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, साथ 4 से लेकर 200 तक के यूजर को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को। साथ ही साथ मैं बात करूं कि इसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर के छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जिनसे बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा नहीं होती है, तो वैसे लेवल पे यह कंप्यूटर यूज किया जाता है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर का दूसरा यूज देखा जाए तो इंस्टीट्यूट लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे, जैसे कि बिलिंग है, अकाउंटिंग है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो इन सब चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर या मिनी फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम की तरह ही कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इनका साइज और कॉस्ट जो है मेन फ्रेम से लो होता है यानी कि कम होता है। साइज के आधार पर अगले कंप्यूटर की बात की जाए तो वह है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं जो कि इस पर्पज से डिजाइन किए जाते हैं ताकि उसमें टेक्निकल और कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस यूज किए जाए। इसके पास फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसके रैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ इसमें ग्राफिक्स एडेप्टर भी लगे होते हैं जो कि बहुत ही तेज होते हैं। आपको वर्क स्टेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह का आपका दिखता है। सामान्यतः देखा जाए तो कुछ ये स्पेसिफिक जॉब जो है ग्रेट एक्सपर्टीज के द्वारा इन पर किया जाता है। ग्रेट एक्सपर्टीज कहने का मतलब कि जो टेक्निकल हैंड होते हैं, जैसे कि एक ग्राफिक्स वर्क स्टेशन है या म्यूजिक वर्क स्टेशन है या इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन है, तो इन सब जगहों पे इन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटरों में SSD कार्ड का यूज किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव के बदले। हार्ड डिस्क ड्राइव उस ड्राइव को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी मोबाइल फोन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का मोबाइल 3/64 का है, यानी कि 64 GB इंटरनल मेमोरी है और 3 GB रैम है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जिसके में हम कोई भी फाइल या म्यूजिक या वीडियो डालते हैं उस स्पेस के आधार पर, तो उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं उसमें हार्ड डिस्क के बदले SSD लगे होते हैं, साथ ही साथ इसमें ग्राफिक एडेप्टर्स भी होते हैं और रैम भी इसके बहुत पावरफुल होते हैं। साइज के आधार पर बात की जाए तो अगला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं इंडिविजुअल यूज के लिए, यानी कि किसी व्यक्तिगत यूज के लिए ये कंप्यूटर होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल या इंडिविजुअल वर्क जैसे कि असाइनमेंट बनाना, कोई मूवी देखना या फिर ऑफिस के कुछ कार्यों को करने के लिए ये कंप्यूटर जो है बहुत ही सूटेबल होते हैं। ये कंप्यूटर कंप्यूटर के जितने भी प्रकार होते हैं उसमें सबसे छोटे साइज के ये कंप्यूटर होते हैं, साथ ही साथ ये मल्टीटास्किंग करने में भी कैपेबल यानी कि सक्षम होते हैं, जैसे प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियो, यानी ये सारे काम एक साथ इस कंप्यूटर के थ्रू किए जा सकते हैं। और इन कंप्यूटर के इस्तेमाल की बात करूं तो इसके इस्तेमाल के लिए किसी स्पेशल स्किल या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति भी इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बहुत ही लेस एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगे नहीं होते हैं, यानी कि हम एक आम आदमी के बजट में ये आ जाता है, साथ ही साथ इसे यूज करना भी काफ़ी आसान होता है। सिग्नल के आधार पर बात की जाए तो अगला जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर इस पर्पज से डिजाइन किए जाते हैं कि ये एनालॉगस डाटा पे ही वर्क करते हैं। एनालॉगस डाटा कहने का मतलब कि वैसा डाटा जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, कंटिन्यूअस तो मिलते रहता है लेकिन कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, तो वैसे डाटा को एनालॉगस डाटा कहा जाता है। और वैसे आप एनालॉगस या डिजिटल नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए गए लिंक से मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एनालॉगस और डिजिटल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर हमें कि डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू की हमेशा आवश्यकता नहीं
पड़ती, जैसे कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर या करेंट की बात की जाए। एनालॉगस कंप्यूटर मेजरिंग डिवाइस से डाटा को बिना किसी नंबर या कोड में कन्वर्ट किए हुए एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो स्पीडोमीटर, मरकरी थर्मामीटर या टेम्परेचर मीटर, ये सब जो है एनालॉगस कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। सिग्नल के आधार पर अगला कंप्यूटर जो आता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इस पर्पज से डिजाइन किए जाते हैं ताकि कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन जो है बहुत हाई स्पीड में हो। ये कंप्यूटर रॉ डाटा या इनपुट को डिजिट्स के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, जीरो और वन के रूप में। और ये कंप्यूटर जीरो और वन पे ही काम करते हैं। अब जीरो वन क्या होता है, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है, जो कि कंप्यूटर की एक वर्किंग एबिलिटी है जिस कंप्यूटर पर हम लोग वर्क करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस जीरो और वन पे ही काम करते हैं, जो कि फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। हम लोग के घरों में या ऑफिस में यूज़ किए जाने वाले लैपटॉप, डेस्कटॉप, यहाँ तक हम लोग के जो स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन्स है, ये सभी के सभी डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगोरी में आते हैं। और फिर जो है डिजिटल कंप्यूटर को जो है दो कैटेगोरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इन दोनों ही कंप्यूटर को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस वाले डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर इस पर्पस से डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल वर्क है या कोई ऑफिस वर्क है या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग है या कंप्यूटर पे जो हम लोग गाना सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, यानी हम लोग जो कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में या घर पर जो यूज करते हैं, तो वो सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि एक जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इन कंप्यूटर को यूज करने के लिए किसी भी तरह के टेक्निकल यूज की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसे यूज कर सकता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सब जो है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब दूसरी बात करता हूं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन ही इस पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इन कंप्यूटरों में इनबिल्ट इंस्ट्रक्शन सेट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के द्वारा ही डाला गया होता है, यानी कि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है उसमें विंडोज 7 या विंडोज 10 या जो कुछ भी है हम लोग खुद से भी उसे डालते हैं। लेकिन इन कंप्यूटरों की बात की जाए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट या जो कमांड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर यानी कंपनी उसमें डाल करके भेजती है। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो ATM मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है या एक्सरे मशीन है, यह सभी जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगोरी में आते हैं। सिग्नल के आधार पे बात की जाए तो अगला कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के प्रॉपर्टी यानी कि गुण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग फॉर्मेट में सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ उसे प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो ये मुख्य रूप से वैसे सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर कि दोनों ही तरह के डाटा यानी कि एनालॉगस और डिजिटल डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक प्रोसेसर जो पेट्रोल पंप में यूज होते हैं वो मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करता है, यानी कि जो फ्यूल का फ्लो है उसको जो है क्वांटिटी और प्राइस के रूप में जो है डिजिटली कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर जो नोजल के पास जो पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं यानी जो नोजल में डिस्प्ले दिखता है आपको, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पलों का, तो उसी प्रकार जैसे कि एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ, तो ये स्पेशल पर्पस भी है और साथ ही साथ ये हाइब्रिड कंप्यूटर भी है। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर सभी के सभी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट यानी कि CPU। देखिए बोलचाल की भाषा में हम लोग CPU बोल लेते हैं, बट डेट इज नॉट ए CPU, वो सिस्टम यूनिट होता है। तो चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही साथ आप नोट्स का PDF पाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।